नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस में। आज का विषय है एल्बो ज्वाइंट। तो इससे पहले हम लोगों ने शोल्डर ज्वाइंट के बारे में बात किया था। अब आइए शुरू करते हैं शोल्डर ज्वाइंट के बिलो जो ज्वाइंट्स होता है वो एल्बो ज्वाइंट है। तो एल्बो ज्वाइंट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस टाइप का ज्वाइंट है देखते हैं। आइए पढ़ते हैं वन बाई वन कि एल्बो ज्वाइंट का टाइप मीन्स उसके बारे में देखते हैं। तो टाइप देखेंगे कि हिंज वैरायटी ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी ज्वाइंट पढ़ रहे हैं हम लोग साइनोवियल ज्वाइंट के ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका कौन सी वैरायटी है? हिंज वैरायटी। हिंज वैरायटी मीन्स कब्जेदार संधि, मीन्स एक कब्जे पर टिकी, मीन्स वन डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, मीन्स एक जगह रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो वन यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट की बात करता है ये हिंज वैरायटी ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। किसके बीच होता है? बिटवीन लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड अपर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना। तो बिटवीन लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड अपर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना, तो इसके बीच में हो रहा है। तो आइए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि आर्टिकुलर सरफेस के बारे में देखते हैं। आर्टिकुलर सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पर दो पॉइंट पढ़ेंगे कि ये एक तरह से अपर लिम की बोन है। एक्चुअली अपर लिम की बोन है, ये वर्टिकल बोन होती है और कहीं ना कहीं ये ह्यूमरस जो होता है वो ऊपर की बोन है, उसके बिलो रेडियस अल्ना होती है। तो इसका मतलब कि जो अपर आर्टिकुलर सरफेस होगा उसमें क्या हो जाएगा? कैपिचुलम एंड ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस। तो हम लोग ह्यूमरस के लोअर एंड के बारे में देखेंगे। जो अपर आर्टिकुलर सरफेस है, अपर आर्टिकुलर सरफेस में दो पॉइंट है, अपर एंड लोअर। तो अपर में देखेंगे तो ये है आपका ह्यूमरस का लोअर एंड, तो ये अपर आर्टिकुलर सरफेस का फॉर्म करेगा। तो उसमें भी देखेंगे कि यहाँ पर इसका अपर में कैपिचुलम एंड ये है आपका कैपिचुलम एंड ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस। तो ये है कैपिचुलम, ये है ट्रॉक्लिया, ये आपके अपर आर्टिकुलर सरफेस फॉर्म करेंगे। तो लोअर में देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से पार्ट है। तो लोअर में यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट है यहाँ पर दो बोन है इसलिए दो आर्टिकुलर सरफेस की बात कर रहा है। अपर सरफेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट विद द कैपिचुलम। तो ये कह रहा है अपर सरफेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ आर्टिकुलेट विद द कैपिचुलम। तो इस तरह से यहाँ पर कैपिचुलम से आर्टिकुलेट कर रहा है। फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे कि यहाँ पर कि ट्रॉक्लिया बोन से संबंधित है। ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट विद द ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस। तो हम लोग देख रहे हैं कि अल्ना का ये ट्रॉक्लियर नॉच है, ये है अल्ना का ट्रॉक्लियर नॉच, उस ये आर्टिकुलेट कर रहा है ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस है और ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना एक दूसरे से आर्टिकुलेट करके ये ज्वाइंट बनाते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से ये आपका फॉर्मेशन हो गया कि एल्बो ज्वाइंट का। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके आर्टिकुलर सरफेस के बारे में देखा कि अपर में क्या है, अपर में आपका लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस है उसका कैपिचुलम एंड ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस एंड लोअर में क्या है उसके दो बोन है, एक तो रेडियस का अप सुपीरियर सरफेस है जो आर्टिकुलेट करता है आर्टिकुलेट विद द कैपिचुलम एंड द ट्रॉक्लिया नॉच ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट विद द ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस। फिर देखेंगे यहाँ पर एल्बो ज्वाइंट इज कंटिन्यूअस विद द सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एल्बो ज्वाइंट का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ कह रहा है सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट का फॉर्मेशन भी होता है। तो इसके अलांग जो है कि आपका एल्बो ज्वाइंट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जो रेडियो अल्नर ज्वाइंट की बात कर रहे हैं तो ये देख रहे हो कि रेडियस का जो हेड है, हेड जो सर्कुलर हेड है वो अल्ना के इस सॉकेट से आर्टिकुलेट करता है, यहाँ पर बनाता है सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। और लोअर साइड में देख रहे होंगे कि यहाँ पर इन्फीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट बनता है। तो इस जगह पे इन्फीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट, यहाँ पर सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट होता है। तो इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर द ह्यूमरो रेडियल मीन्स ह्यूमरस का रेडियस के साथ, ह्यूमरस का रेडियस के साथ। तो इस तरह से देख रहे होंगे ह्यूमरो रेडियल, ये है ह्यूमरो रेडियल ह्यूमरस का रेडियस के साथ। दूसरा पॉइंट है ह्यूमरो अल्नर ह्यूमरस के अल्ना के साथ। और तीसरा पॉइंट है सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तो देख रहे होंगे कि रेडियस का अल्ना के साथ जो आर्टिकुलेशन है या ज्वाइंट है टुगेदर नोन एज क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन। तो क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन में तीन ज्वाइंट होते हैं ह्यूमरो रेडियल,
मीन्स ह्यूमरस का रेडियस के साथ, ह्यूमरो अल्नर मीन्स ह्यूमरस का अल्नर के साथ, अल्ना के साथ एंड सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट, ये तीनों एक साथ कहे जाते हैं क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके आर्टिकुलर सरफेस के बारे में देखा। फिर देखेंगे यहाँ पर कैप्सुलर लिगामेंट की बात करेंगे, सॉरी लिगामेंट की बात करेंगे। तो लिगामेंट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, कि पहला है कैप्सुलर लिगामेंट। तो कैप्सुलर लिगामेंट में बात करेंगे कि कैप्सूल होता है उसको पूरा कवर्ड करता है। अगर ये ज्वाइंट फॉर्मेशन हो जाए, इसके अलावा ज्वाइंट फॉर्मेशन होता है, यहाँ का कैप्सूल इसको अटैच करता है। तो कैप्सूल अटैच करेगा तो किस तरह से उसका अटैचमेंट अपर पार्ट में होगा, किस तरह से लोअर पार्ट में होगा, तो उसके बारे में देखते हैं। सुपीरियरली, सुपीरियर साइड में करा अटैच्ड, सुपीरियरली मीन्स अगर लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस पे अटैच होगा तो किसके एलांग और अटैचमेंट होगा, इसके बारे में देख यहाँ देख रहे होंगे। सुपीरियरली अटैच टू द लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस इन सच ए वे दैट कैप्यूचुलम ट्रॉक्लिया, देख रहे होंगे यहाँ पर कैप्यूचुलम, दूसरा पॉइंट है ट्रॉक्लिया, तीसरा पॉइंट है रेडियल फोसा मींस कैप्यूचुलम के एबव जो फोसा है रेडियल फोसा, एंड कोरोनोइड फोसा, ये ट्रॉक्लिया के एबव जो है कोरोनोइड फोसा, एंड ओलेक्रेनान फोसा। ओलेक्रेनान फोसा जो है ह्यूमरस के लोअर एंड के पोस्टीरियर स्पेक्ट में होता है, ओलेक्रेनान फोसा आर इंट्रा कैप्सुलर मीन्स ये इसका कैप्सूल्स का अटैचमेंट इस तरह से होगा कि ये कैप्सूल्स के नीचे रहेंगे। तो इसलिए कह रहा है कि जो अटैचमेंट की लाइन हम लोग एंटीरियर स्पेक्ट में दिखाया है ये कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे इसके ऊपर ये कैपिचुलम है, उसके ऊपर रेडियल फोसा है, ये ट्रॉक्लिया है, इसके ऊपर एंटीरियर स्पेक्ट में कोरोनोइड फोसा है, और पोस्टीरियर स्पेक्ट में आपका ओलेक्रेनान फोसा है। ये इस तरह से ये लाइन है कैप्सूल के अटैचमेंट का सुपीरियरली। अब बात करते हैं इसके आगे, सुपीरियर अटैचमेंट के बाद हम लोग आएंगे इन्फीरियर अटैचमेंट में। इन्फीरियर अटैचमेंट में भी हम लोग देख रहे हैं कि इन्फीरियर साइड में दो बोन, दो आर्टिकुलर सर्फेसेस है। मीन्स अगर देखें कि अगर मीडियल साइड में क्या है, अल्ना है, और लेटरल साइड में रेडियस है, तो इसी तरह से हम लोग दो हेडिंग पढ़ेंगे। इन्फ्रोमीडियली मीन्स इन्फीरियर साइड में हम लोग अल्ना के एलांग जो कैप्सूल्स का इन्फीरियर साइड में अटैचमेंट देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इन्फ्रोमीडियली क्या है, अटैच टू द मार्जिन ऑफ ट्रॉक्लियर नाच, जो ट्रॉक्लियर नाच की मार्जिन है ये पूरा पूरा इसके एलांग ये कैप्सूल अटैच होगा। अटैच टू द मार्जिन ऑफ ट्रॉक्लियर नाच ऑफ अल्ना एक्सेप्ट लेटरली मीन्स देखा जाए तो इस पूरे ट्रॉक्लियर नाच के एलांग इसकी अटैचमेंट होती है इस कैप्सूल्स का इन्फीरियर साइड में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक ये हेड अटैच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अटैच हो रही है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक आएगा, ठीक है, ये पूरा इस तरह से अटैचमेंट होगा, एक्सेप्ट लेटरल साइड में ये अटैचमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हेड ऑफ रेडियस अटैच होता है, तो देखेंगे इन्फ्रोलेटरली देखेंगे अटैच टू द एनुलर लिगामेंट ऑफ सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट कर रहा है अल्नर नाच से, तो यहाँ पर ये इसके ऊपर एक एनुलर लिगामेंट होती है, एनुलर लिगामेंट होती है जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसके एलांग ये हेड ऑफ रेडियस या रेडियस बोन रोटेट करती है। तो कुछ इस तरह से ये एनुलर लिगामेंट इस तरह से होती है। इसके एबव मीन्स क्या कहते हैं कि जो लेटरल स्पेक्ट में जो लिगामेंट का अटैच है इन्फ्रोलेटरल स्पेक्ट में, इसके ऊपर से रहेगा मीन्स एनुलर लिगामेंट के ऊपर से रहेगा। बाकी मीडियल स्पेक्ट में देखेंगे तो मार्जिन ट्रॉक्लियर नॉच की जो मार्जिन है वो सब जगह होगा एक्सेप्ट लेटरल को छोड़कर। फिर देखते हैं कि द साइनोबियल मेम्ब्रेन लाइंस द कैप्सूल्स एंड फोसा नेम्ड एबव मीन्स हम लोग जब ने बात किया था कि अपर पार्ट में जो भी फोसा और कैप्सूल्स की बात किया था, मतलब कैप्सूल्स के चारों तरफ भी कैप्सूल के इनर एस्पेक्ट में साइनोबियल मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है, साथ ही साथ जो फोसा है उसमें भी इन साइनोबियल मेम्ब्रेन की लाइनिंग होगी। तो उस साइनोबियल मेम्ब्रेन को जिस जहां पर वो लाइन करेगा उसी के नाम से साइनोबियल मेम्ब्रेन जाना जाएगा। जैसे इसको हम बात करें कि ये आपका कोरोनोइड फोसा है, तो कोरोनोइड फोसा के अलांग जो साइनोबियल मेम्ब्रेन लाइंस कर रही है उसको हम लोग कोरोनोइड पार्ट ऑफ साइनोबियल मेम्ब्रेन कहेंगे। तो यहाँ पर फिर देखेंगे कि नेक्स्ट लिगामेंट है कैप्सुलर लिगामेंट के बाद देखेंगे यहाँ पर
इंटीरियर लिगामेंट की बात कर रहा है, तो इंटीरियर लिगामेंट की हम लोग बात करेंगे, तो ये है इंटीरियर लिगामेंट। तो यहाँ पर कुछ लिगामेंट इंटीरियर एस्पेक्ट में अटैच होते हैं, कुछ इस तरह से इंटीरियर एस्पेक्ट में होते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट लिगामेंट होते हैं, कुछ लिगामेंट पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होते हैं। इस तरह से यहाँ पर बहुत क्लियर कट नहीं होते, इंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट अटैच होते हैं। फिर देखेंगे अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, मींस अल्ना के साइड में, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट मींस अल्ना के साइड में एक लिगामेंट होता है। तो देखेंगे यहाँ पर कि अल्नर कोलैटरल लिगामेंट इज ए ट्राइंगुलर इन शेप, ट्राइंगुलर इन शेप होता है। इट्स एपेक्स इज अटैच टू द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस एंड इट्स बेस टू द अल्ना। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ये अल्ना है, ये अल्ना बोन है, ये रेडियस बोन है। तो अल्ना के साइड में अल्नर कोलैटरल लिगामेंट है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स है, मीन्स ये लिगामेंट है, ये कुछ इसका बेस बना रहा है और ये एपेक्स बना रहा है, ये एपेक्स बना रहा है कुछ इस तरह से। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये इसका एपेक्स कहाँ है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। तो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से अटैच है इसका एपेक्स का, और जो बेस है वो अल्ना के अलॉन्ग अटैच है, अल्ना से अटैच है। फिर देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट लिगामेंट है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट या लैटरल लिगामेंट। तो हम लोग रेडियस के अलांग में लैटरल साइड में देखेंगे एक लिगामेंट है, दैट इज कॉल्ड फैन शेप्ड बैंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम लैटरल एपिकोंडाइल टू द एनुलर लिगामेंट। तो देख रहे होंगे इसका भी एक्सटेंशन लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से लेकर एनुलर लिगामेंट के अलांग है। तो ये है एनुलर लिगामेंट, ये हेड ऑफ रेडियस है, तो इसके अलांग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आता है। तो दैट इज कॉल्ड रेडियल कोलैटरल और लैटरल लिगामेंट। आइए अब बात करते हैं कि इस एल्बो ज्वाइंट के अराउंड कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, मींस रिलेशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो सबसे पहला रिलेशन है एंटीरियर एस्पेक्ट में, मींस ये हम लोग जो व्यू देख रहे हैं वो एंटीरियर व्यू है। तो इसके एंटीरियर व्यू में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी मसल्स है, ब्रैकियलिस, एक ब्रैकियलिस मसल्स है जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट के लोअर पार्ट से, ह्यूमरस से ओरिजिन होती है लोअर पार्ट से, ये इसके एल्बो ज्वाइंट के आगे तक आती है, ब्रैकियलिस की ओरिजिन होती है और इंसर्शन आपके इस लोअर फोर आर्म में होता है। फिर देखेंगे इसमें यहाँ पर दो नर्व की बात कर रहा है, एक नर्व मीडियन नर्व, मीडियन नर्व कुछ इसी तरह से इसके एंटीरियर एस्पेक्ट से पास होती है, साथ ही साथ ब्रैकियल आर्टरी एंड टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई। तो ब्रैकियल आर्टरी हम लोग देखते हैं कि ब्रैकियल आर्टरी यहाँ पर एंटीरियर एस्पेक्ट में आने के बाद एल्बो ज्वाइंट के बाद बाइफर्केट हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ब्रैकियल आर्टरी पास होती है जिसको हम लोग पल्पेट करते हैं। तो ब्रैकियल आर्टरी के अगेंस्ट में ही हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं इस एल्बो ज्वाइंट के अगेंस्ट में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसके एंटीरियर रिलेशन ब्रैकियल आर्टरी है, साथ ही साथ टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई। तो ये एंटीरियर आर्म का अपर आर्म्स के जो आर्म से एंटीरियर एस्पेक्ट में जो बाइसेप्स ब्रैकियाई होती है, बाइसेप्स मसल होती है, उसका जो टेंडन होता है या उस मसल से ये एल्बो ज्वाइंट को क्रॉस करता है और फ्लैटेंड एपनोरोसिस के रूप में इंसर्ट होता है बाद में। तो इसलिए इसके एंटीरियर एस्पेक्ट में टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई है। अब देखते हैं पोस्टीरियर रिलेशन में कौन कौन से हैं। तो जैसा कि पता है कि एंटीरियर बाइसेप्स ब्रैकियाई था, पोस्टीरियर में ट्राइसेप्स ब्रैकियाई एंड एनकोनियस। तो देख रहे होंगे पोस्टीरियरली ट्राइसेप्स ब्रैकियाई मींस जो ट्राइसेप्स मसल्स होती है उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स होते हुए एल्बो ज्वाइंट को क्रॉस करती है, और दूसरी मसल है एनकोनियस, एक छोटी सी मसल होती है एनकोनियस पाई जाती है। फिर देखते हैं मीडियली, मींस मीडियली कहने का मतलब इधर साइड में आपका अल्ना अटैच हो, तो ये अल्ना बोन है, उसके साइड में देखेंगे तो ये मीडियल एस्पेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्नर नर्व, तो अल्नर नर्व यहाँ से पास होती है, तो अल्नर नर्व यहाँ से पास होती है, और साथ ही साथ देखेंगे फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस भी यहीं इसके मीडियल एस्पेक्ट से पास होती है, और कॉमन एक्सटेंसर जो मसल्स होती है, जो फोर आर्म की कॉमन एक्सटेंसर मसल्स होती है, वो कहीं ना कहीं उसकी ओरिजिन क्या होती है कि मीडियल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से होती है, कॉमन ओरिजिन होती है, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन होती है। फिर देखेंगे लैटरली, मींस रेडियस साइड के लैटरल एस्पेक्ट में देखेंगे, तो लैटरली में देखेंगे सुपिनेटर, एक मसल होती है सुपिनेटर जो यहाँ पर ओरिजिन होती है और ये लोअर डाउन जाती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस ये भी यहीं से पास होती है लैटरल एस्पेक्ट से, और अदर कॉमन एक्सटेंसर यहाँ पर पास होते हैं। आइए बात करते हैं ब्लड सप्लाई अराउंड एल्बो ज्वाइंट, इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स है ब्लड सप्लाई
अराउंड एल्बो ज्वाइंट यार, एनास्टमोसिस अराउंड एल्बो ज्वाइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन आर्टरी होती है जिसकी ब्लड सप्लाई होती है उसको हम लोग ब्रैकियल आर्टरी बोलते हैं, क्योंकि आर्म की ये बोन होती है, आर्म की जो बोन होती है उसके अराउंड जो मसल जो आर्टरी है वो है ब्रैकियल आर्टरी। तो देख रहे होंगे ब्रैकियल आर्टरी, ये मोटी सी आर्टरी ब्रैकियल आर्टरी है। यही ब्रैकियल आर्टरी लोअर डाउन जाती है एल्बो ज्वाइंट के अराउंड, इसको क्रॉस करती है, यहाँ पर रेडियस के साइड में रेडियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है, बाइफर्केट हो जाती है, अल्ना के साइड में अल्नर आर्टरी बाइफर्केट हो जाती है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कई, यहाँ पर रेडी ब्रैकियल आर्टरी की जो पहली ब्रांच होती है प्रोफंडा ब्रैकियाई आर्टरी होती है। प्रोफंडा ब्रैकियाई आर्टरी है ये जो है पहले पोस्टीरियर से आपके लैटरल एस्पेक्ट में आती है, पोस्टीरियर से आपके लेटरल एस्पेक्ट में आएगी। लेटरल एस्पेक्ट में आने के बाद यहाँ पर इसके दो पार्ट हो जाते हैं, दो ब्रांच होते हैं, एक तो उसके एंटीरियर एस्पेक्ट से एक पोस्टीरियर एस्पेक्ट से। तो यहाँ पर देखेंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रैकियाई आर्टरी। तो ये जो कंटिन्यू स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये आपका एंटीरियर है, जो डॉट डॉट दिखाया गया है पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रैकियाई आर्टरी। ये लोअर डाउन में जब आएंगे तो लोअर डाउन में देखेंगे यहाँ पर जो एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है वो एक तरह से आर्टिकुलेट हो रहा है या फिर एक तरह से एनास्टमोज हो रहा है, कि जो रिकरेंट ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी से। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये रेडियल रिकरेंट आर्टरी है, तो रेडियल आर्टरी का जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है यहाँ पर एनास्टमोसिस होता है अराउंड द एल्बो ज्वाइंट। तो ये चीज़ें हैं। फिर दूसरा देखेंगे कि जो इसका जो पोस्टीरियर ब्रांच था प्रोफंडा ब्रैकियाई का, जो डिसेंडिंग का पोस्टीरियर ब्रांच था वो अब यहाँ से पोस्टीरियर से लैटरल एस्पेक्ट में आ रहा है, ये फिर लैटरल एस्पेक्ट में कंटिन्यू हो जा रहा है, फिर से पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जा रहा है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जब जाएगा तब जा रहा है तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि अल्नर आर्टरी, अल्नर जो आर्टरी होती है जो ब्रैकियल आर्टरी बाइफर्केटेड होती है रेडियस और अल्ना में, अल्नर आर्टरी में, अल्नर आर्टरी के इनर एस्पेक्ट में देखेंगे कि एक आर्टरी होती है कॉमन इंट्रोसिस आर्टरी। तो देख रहे होंगे कॉमन इंट्रोसिस आर्टरी है। अब ये कॉमन इंट्रोसिस आर्टरी एक्चुअली फिर से बाइफर्केट होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, एंटीरियर साइड में एंटीरियर इंट्रोसिस और पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर इंट्रोसिस आर्टरी। तो यहाँ से पोस्टीरियर इंट्रोसिस आर्टरी से एक रिकरेंट ब्रांच ऊपर की तरफ जाती है जो कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रैकियाई आर्टरी के साथ एनास्टमोज होती है अराउंड द एल्बो ज्वाइंट। अब बात करते हैं, ये हम लोगों ने लेटरल एस्पेक्ट में बात कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं मीडियल एस्पेक्ट में बात करते हैं। तो मीडियल एस्पेक्ट में बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे प्रोफंडा ब्रैकियाई के बिलो, मतलब कि एबव द लोअर एंड के एबव साइड में एक आर्टरी यहाँ से निकलती है, एक ब्रांच होती है, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। तो देख रहे होंगे सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी यहाँ पर आने के बाद ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में हो जाती है, एल्बो ज्वाइंट के पोस्टीरियर में चली जाएगी और ये किससे ये आर्टिकुलेट करती है एक तरह से पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। तो यहाँ पर ये एक तरह से पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी के साथ जो एक तरह से एनास्टमोज होती है, कौन सी आर्टरी, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। ये तो आपका बैक में हो गया। फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ फ्रंट में जो है एक आर्टरी है, यहाँ पर फ्रंट में एक आर्टरी है कि ऊपर की तरफ देखेंगे कि यहाँ पर सुपीरियर ट्रोक्लियर और इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी एक यहाँ पर कंटिन्यू नीचे आती है, ये नास्टमोज करती है, इस पॉइंट पे नास्टमोज कर रही है किसके थ्रू, यहाँ पर एक है जो कि अल्नर आर्टरी, अल्नर रिकरेंट जो आर्टरी है उसके थ्रू ये यहाँ पर अराउंड एल्बो एनास्टमोस करती है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एल्बो ज्वाइंट के अराउंड कौन कौन से ब्लड सप्लाई या एनास्टमोसिस की बात की गई। इसके बाद हम लोग इसके नर्व सप्लाई की बात करेंगे, मीन्स एल्बो ज्वाइंट के अराउंड कौन कौन से नर्व होती है। तो देखेंगे अल्नर नर्व होती है जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होती है मिडिल साइड में, मीडियन नर्व लगभग मिडिल में होती है और रेडियल नर्व रेडियल लैटरल एस्पेक्ट में होती है और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो कि फ्रंट में होती है। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है, अल्नर, मीडियन और रेडियल नर्व, चार नर्व होती हैं जो कि एल्बो ज्वाइंट के अराउंड होती है। तो यहाँ पर देखेंगे मूवमेंट की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी जॉइंट्स है उसके मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर दो मूवमेंट मेन बताया गया, फ्लेक्सन एंड एक्सटेंशन, क्योंकि देखेंगे ये किस तरह का जॉइंट है, यह एक तरह से हिंज वैरायटी ऑफ जॉइंट है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर फ्लेक्सन, यहाँ पर देख रहे हैं ये एंटीरियर एस्पेक्ट है,
तो आर्म का या अपर लिम का जो मूवमेंट होता है वो एल्बो ज्वाइंट कराउंड, अगर इसको हम इस ये फ्लेक्सन है और इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करेंगे तो ये एक्सटेंशन है, ये फ्लेक्सन एक्सटेंशन, तो ये दो मेन मूवमेंट्स होते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि इसका कैरिंग एंगल, यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि कैरिंग एंगल क्या है। तो कैरिंग एंगल को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि क्या है कैरिंग एंगल। तो यहाँ पर देखेंगे कि देख कह रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ एल्बो, मीन्स ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ एल्बो, कुछ ये है ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ एल्बो। ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ एल्बो ज्वाइंट इज डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड, डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड बिकॉज ऑफ द एक्सटेंडेड फोर आर्म इज नॉट इन स्ट्रेट लाइन विथ आर्म बट मेक एन एंगल अबाउट 13 डिग्री विथ इट नोन एज कैरिंग एंगल। कहने का मतलब ही यहाँ देख रहे होंगे कि एक वर्टिकल एक्सिस ऑफ ह्यूमरस कुछ इस तरह से स्ट्रेट है, ये जब लोअर डाउन आएगा वर्टिकल एक्सिस ऑफ ह्यूमरस, अगर इसके साथ ही साथ अगर वर्टिकल एक्सिस ऑफ अल्ना अगर स्ट्रेट दोनों एक ही लाइन में होते, दोनों एक ही लाइन में होते तो इस कैरिंग एंगल का फॉर्मेशन नहीं होता। होता क्या है कि ये जो वर्टिकल एक्सिस ऑफ अल्ना ये स्ट्रेट ना होकर थोड़ा सा कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होने की वजह से क्या होगा जो कि इसका वर्टिकल एक्सिस कुछ इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, तो ये कुछ इस तरह से होने की वजह से इन दोनों एक्सिस के बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन हो गया है जो कि इसको बोलते हैं कैरिंग एंगल। अगर ये दोनों एक्सिस स्ट्रेट होते तो किसी भी वस्तु को अगर अगर कैरी करना हो तो टफ काम हो जाता, इसका मतलब पैर से लड़ने लगता है। तो इसका मतलब कि ये थोड़ा सा वर्टिकल एक्सिस डाइवर्ट कर गया है, जिसकी वजह से डाइवर्ज होने की वजह से कोई भी वस्तु अगर हम होल्ड करके उसको कैरी करते हैं ले जाते हैं तो लोअर लिम्ब से थोड़ा सी दूर बनी रहती है। और जो ये एल्बो ज्वाइंट है अब इस कंडीशन में, ये अगर इस कंडीशन में रहे तो ये एल्बो ज्वाइंट जो का जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, अगर ये मीडियल एस्पेक्ट है बॉडी के मीडियल साइड में शिफ्ट करता है, डायरेक्ट करता है। तो इसका कारण क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं कि इसका कारण ये इसलिए होता है कि जो इसका मीडियल फ्लैंज होता है, इसका जो मीडियल फ्लैंज है जो एक ट्रॉक्लियर नॉच है, ये ट्रॉक्लियर नॉच ट्रॉक्लिया है, इसके दो फ्लैंज होते हैं। तो ये है इसका मीडियल फ्लैंज, ये है इसका लेटरल फ्लैंज या मीडियल मार्जिन और लेटरल मार्जिन। बोला जाता है कि जो ट्रॉक्लिया का मीडियल मार्जिन है 0.6 मिलीमीटर लोअर डाउन होती है इन कंपेरिजन टू लेटरल मार्जिन की। इसकी वजह से जो अल्ना इस पर आर्टिकुलेट करता है ये थोड़ी सी फिट ये शिफ्टेड ये डाइवर्ज हो जाती है लेटरल एस्पेक्ट में, मीडियल लेटरल एस्पेक्ट में चली जाती है। तो इस तरह से हम लोग देख लेटरल एस्पेक्ट में चली जाती है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैरिंग एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो आइए अब बात करते हैं क्लिनिकल एनाटमी ऑफ एल्बो ज्वाइंट। तो हम लोग पहले पॉइंट बात करेंगे डिसलोकेशन ऑफ एल्बो, डिसलोकेशन ऑफ एल्बो की बात करते हैं। तो हाँ यूजुअली पोस्टीरियर एंड ऑफन एसोसिएटेड विद फ्रैक्चर ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस। तो यहाँ कह रहा है कि इस जॉइंट का मींस एल्बो जॉइंट का जो डिसलोकेशन यूजुअली पोस्टीरियर होता है ड्यू टू फ्रैक्चर एसोसिएटेड विद फ्रैक्चर ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस। तो कोरोनॉइड प्रोसेस मींस ये है कोरोनॉइड प्रोसेस, ये है ओलेक्रान प्रोसेस, ये जनरली इसका डिसलोकेशन क्या होता है इस तरह से यूजुअली पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है। ये पोस्टीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है क्योंकि ये इसका फ्रैक्चर हो जाता है कोरोनॉइड प्रोसेस का। फिर देखते हैं कि उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है, जब ये एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है तो यहाँ पर एक एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर टू कोंडाइल्स टिप जो होता है इपिकोंडाइल ये मीडियल इपिकोंडाइल लेटर इपिकोंडाइल और ओलेक्रानन प्रोसेस एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। लेकिन फ्लैक्ड की कंडीशन में क्या होता है, फ्लेक्स कंडीशन में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब डिसलोकेशन
हो जाएगा, डिसलोकेशन जब ये पोस्टीरियर स्पेक्ट्रम में हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है लॉस्ट कर जाता है, मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्टर्ब हो जाता है। फिर देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है, ये कह रहा है कि सब लग्जेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस दैट इज कॉल्ड पुल्ड एल्बो। पुल्ड एल्बो का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी बच्चे को अगर हम अचानक से उसको हाथ पकड़ के खींचते हैं, उठाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो अपर इंड है, ये एक तरह से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक तरह से एनुलर लिगामेंट से अगर इस पॉइंट को हम लोग खींचा, अगर इस साइड में हाथ है, हैंड है, तो इसको हम लोग खींचते हैं, तो एनुलर लिगामेंट जो होता है अपनी जगह से पुल्ड कर जाता है, मीन्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पुल्ड एल्बो। तो ये कह रहा है कि अकर्स इन चिल्ड्रेन व्हेन फोर आर्म इज सडनली पुल्ड इन प्रोनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सडनली उसको अगर खींचते हैं, उठाते हैं, इसलिए कहते हैं कि बच्चों को बहुत ही संभाल कर उठाना चाहिए। फिर देखेंगे टेनिस एल्बो की बात कर रहा है, तो टेनिस एल्बो की बात कर रहा है मीन्स जनरली ये टेनिस प्लेयर्स में होता है, तो टेनिस प्लेयर में होता है, तो क्या होता है अकर्स इन टेनिस प्लेयर एब्रप्ट प्रोनेशन विथ फुली एक्सटेंडेड एल्बो। एब्रप्ट प्रोनेशन विथ फुली एक्सटेंडेड एल्बो मे लीड टू पेन एंड टेंडरनेस ओवर लेटरल एपिकुंडाइल। तो लेटरल एपिकुंडाइल के अलोंग जो है पेन और जो भी टेंडरनेस होता है, ये होता है टेनिस एल्बो के केस में। तो टेनिस एल्बो के केस में क्या होता है कि एब्रप्ट ये कह रहा है कि एब्रप्ट प्रोनेशन, तो मीन्स एक बहुत अचानक से प्रोनेशन होता है इस तरह से, जिसको बोलते हैं कि टेनिस एल्बो होता है। यहाँ पर टेंडरनेस एंड पेन होता है अराउंड लेटरल एपिकुंडाइल, ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि स्टूडेंट्स एल्बो आर माइनर्स एल्बो। जनरली क्या होता है लेक्चर के समय स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि इस एल्बो ज्वाइंट के अराउंड अपना एल्बो ज्वाइंट जो है डेस्क पर रखकर उसके अराउंड हैंड पे जो है हेड डाउन करके रख के पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है देखेंगे कि स्टूडेंट एल्बो और माइनस एल्बो करेक्टराइज बाय द इफ्यूजन इनटू बर्सा ओवर द सबक्यूटेनियस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ओलेक्रेनान प्रोसेस। तो होता क्या है कि जो ओलेक्रेनान प्रोसेस है, ओलेक्रेनान प्रोसेस ऑफ अल्ना यहाँ पर क्या होता है सबक्यूटेनियस होता है। सबक्यूटेनियस होने का मतलब कि यहाँ पर एक बर्सा होती है। अगर ये पार्ट डायरेक्ट ग्राउंड से या फिर डेस्क से डायरेक्ट बहुत समय तक अटैच रहेगा तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, बर्साइटिस हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि करेक्टराइज बाय द इफ्यूजन इनटू द बर्सा ओवर द सबक्यूटेनियस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ओलेक्रेनान प्रोसेस स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लेक्चर्स सपोर्ट्स देयर हैंड्स विथ फ्लैक्स्ड एल्बो। तो फ्लैक्स्ड एल्बो करके ये जनरली अपने लेक्चर के समय इस तरह से रहते हैं, कुछ इस तरह से रहते हैं, ठीक है ना। बर्सा ऑन द ओलेक्रेनान प्रोसेस गेट इनफ्लेम्ड, तो उसमें जो बर्सा होती है वो इनफ्लेम्ड हो जाती है। फिर देखते हैं गोल्फर्स एल्बो। नेक्स्ट जो क्लिनिकल पॉइंट है गोल्फर्स एल्बो में क्या है, ये गोल्फ प्लेयर में होता है जनरली। तो यहाँ पर क्या होता है माइक्रोट्रामा ऑफ मीडियल एपिकुंडाइल ऑफ ह्यूमरस। माइक्रोट्रामा ऑफ मीडियल एपिकुंडाइल ऑफ ह्यूमरस अकर्स कॉमन इन गोल्फ प्लेयर। तो यहाँ ध्यान रखना है गोल्फर्स एल्बो जो होता है वो आपका मीडियल एपिकुंडाइल में माइक्रोट्रामा होता है, जबकि टेनिस एल्बो में क्या होता है लेटरल एपिकुंडाइल में टेंडरनेस और पेन होता है। और स्टूडेंट एल्बो देख रहे होंगे ओलेक्रेनान प्रोसेस जो होता है किसका, ट्रोक्लिया का, उसके जो सबक्यूटेनियस जो पार्ट है उस पर बर्सा होती है वो इन्फ्लेम्ड कर जाता है। तो ये तीनों आपस में मिलते जुलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हम लोगों ने कैरिंग एंगल की बात किया, नॉर्मल कैरिंग एंगल जो है लगभग 13 to 15 डिग्री होता है। तो यहाँ पर नॉर्मल कैरिंग एंगल क्या है 13 डिग्री। अगर ये कैरिंग एंगल ज़्यादा हो जाए, 13 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, तो उसका उस कंडीशन का नाम देंगे क्यूबाइटस वेलगस इसका नाम देंगे। अगर यही क्यूबाइटस कैरिंग एंगल कम हो जाए 13 डिग्री से, तो उसको बोलते हैं क्यूबाइटस
क्यूबाइटस वायरस। ये कैरिंग एंगल 13 डिग्री से जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है, अल्नर नर्व मे गेट स्ट्रेच्ड लीडिंग टू, तो इसकी कंडीशन में क्या होता है, अल्नर नर्व स्ट्रेच हो जाती है जिसकी वजह से वीकनेस ऑफ इंट्रिंजिक मसल्स ऑफ हैंड। तो ध्यान दीजिएगा कि जो नॉर्मल कैरिंग एंगल होता है उससे अगर ज़्यादा हो गया, मीन्स लेटरल शिफ्टिंग अगर अल्ना की ज़्यादा हो गई तो कंडीशन कहलाएगा क्यूबाइटस वेलगस। इस कंडीशन में क्या होता है, अल्नर नर्व क्या होता है, स्ट्रेच कर जाती है, उस पर मतलब कंप्रेशन होता है जिसकी वजह से जो इंट्रिंजिक मसल्स ऑफ हैंड होती है वो वीक हो जाती है। और देखेंगे यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, तो इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे रेडियो अल्नर ज्वाइंट में। इस तरह से हम लोग का ये एल्बो ज्वाइंट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।